हाय वेलकम बैक गाइज, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 18,000 के आसपास आने वाले कुछ बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में। तो बेसिकली मैंने आपके लिए टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन को सेलेक्ट किया है जिसे आप 18,000 के आसपास परचेज कर पाएंगे। इन पांचों स्मार्टफोन में आपको बहुत ही अमेजिंग फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 वाला फ्लैगशिप चिपसेट मिल जाएगा 18,000 से 19,000 के आसपास। इसके साथ ही सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले मिल जाएगी विद डॉल्बी एटम सपोर्ट। 5 में से 2 फोन में आपको 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा मिल जाएगा, 6000 mAh की बड़ी बैटरी और 67 वाट तक की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। एंड ऑफ कोर्स ये पांचों ही 5G फोन होंगे, तो फुल्ली फीचर्स लोडेड होंगे ये पांचों स्मार्टफोन। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मैं आपको इन पांचों स्मार्टफोन की डिटेल स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूं विद प्रोज एंड कॉन्स। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, लेकिन यकीन मानिए आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। एज ऑलवेज आपको समझने में थोड़ी सी इजीनेस हो, इसलिए हमने इन पांचों स्मार्टफोन को ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के बेसिस पर रैंकिंग किया हुआ है। तो हम शुरू करने वाले हैं लास्ट के नंबर से, नंबर 5 से। और नंबर 5 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है, ये फोन उन यूजर्स के लिए रिकमेंडेड रहेगा जो लोग एक बेस्ट नॉन चाइनीज फोन परचेज करना चाहते हैं 18,000 के नीचे। तो इस फोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी M33 5G। ये एक फुल्ली फ्यूचर प्रूफ 5G फोन है। इसके साथ ही इस फोन में आपको मिलता है 6000 mAh की बड़ी बैटरी। तो चलिए जल्दी से डिटेल में जान लेते हैं इस फोन के बारे में। स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन पॉली कार्बोनेट बॉडी के साथ आता है, प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 9.4 mm की थिकनेस है, मतलब मोटा फोन है ये, क्योंकि बड़ी बैटरी लगी हुई इस फोन के अंदर। एंड वेट भी थोड़ा सा ज्यादा है, 215 ग्राम वेट दिया गया है। बाकी ओवरऑल दिखने में ठीक ठाक स्मार्टफोन है, सिंपल सा है। चलिए इसी के साथ कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस फोन में आपको ट्रिपल स्लॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब 2 SIM और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। इसके साथ ही सिंगल मोनो स्पीकर दिया गया है जो कि लाउड है, लेकिन स्टीरियो स्पीकर होने चाहिए थे क्योंकि बाकी के कंपनी दे देती है इस प्राइस पॉइंट पर। बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। अच्छी बात यह है कि इस फोन में आपको मिलेगा एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स, और ये काफी अच्छी बात हो जाती है, काफी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलने वाला है आपको। इस फोन में भी आपको इनबिल्ट कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाएगा बिना अनाउंसिंग वाला। इनफैक्ट सैमसंग के सभी स्मार्टफोन में आपको ये फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही अगर हम कुछ मेन फीचर्स के बारे में बात करें, तो इस फोन में मिलेगा आपको 6000 mAh की मैसिव बैटरी, और उसी को चार्ज करने के लिए 25 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। बट ध्यान रहे, आपको अडैप्टर नहीं मिलेगा। इस फोन के साथ परचेज करोगे तो 300 रुपए में अडैप्टर मिल जाएगा। बैटरी को फुल चार्ज होने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, और 1 दिन का बैटरी बैकअप इस फोन से भी आपको मिल जाएगा। अगर हम कैमरा के बारे में बात करें, तो कैमरा भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है इस फोन में हमें। इस फोन में लगा हुआ है पीछे की तरफ 4 कैमरा, जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 MP का दिया गया है। सेकेंड कैमरा 5 MP का है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है, और इसके साथ ही 2 और कैमरे मिल जाते हैं वही 2 MP के, जो कि बोके इफेक्ट और मैक्रो फोटो के लिए दिए गए हैं। रियर कैमरे से 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, और 1080p में भी 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो रियर कैमरे का परफॉर्मेंस ठीक ठाक देखने को मिल जाती है प्राइस के अकॉर्डिंग, लेकिन फ्रंट में सिर्फ 8 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। वैसे फ्रंट कैमरे से भी आप 1080p में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो कैमरा आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है, नो द बेस्ट नो द वर्स्ट। परफॉर्मेंस की बात करोगे तो परफॉर्मेंस अच्छा मिल जाएगा। इस फोन में लगा हुआ है सैमसंग का ही एक्जिनोस 1280 का चिपसेट, जो कि 5 नैनोमीटर पर बना हुआ है, मतलब 20,000 के नीचे पहला ऐसा फोन है जिसमें आपको 5 नैनोमीटर वाला चिपसेट मिल रहा है। वैसे इस चिपसेट को आप डायमेंसिटी 900 इतना मान सकते हो, लगभग 3,90,000 के आसपास अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाती है, जो कि प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छा स्कोर है। LPDDR4X वाला रैम है, EMMC 5.1 का स्टोरेज टाइप है, एंड वर्चुअली 8GB तक रैम बढ़ा पाएंगे, और साथ में ये फोन 12 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, तो परफॉर्मेंस आपको अच्छा मिल जाएगा। हालांकि स्टोरेज टाइप UFS 1.1 या फिर UFS 2.2 होता तो काफी अच्छा रहता है। डिस्प्ले के बारे में बात करें, तो इस फोन में लगा हुआ है 6.6 इंचेस की Full HD+ TFT डिस्प्ले। अच्छी बात यह है कि 120Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, एंड अप टू 800 nits की पीक ब्राइटनेस दी गई है, एंड डिस्प्ले के ऊपर COG5 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। तो प्राइस रेंज के हिसाब से डिस्प्ले भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगा, हालांकि पंच होल डिस्प्ले होता तो ज्यादा बेहतर रहता। तो देखा जाए तो डिस्प्ले ठीक ठाक है। प्राइसिंग की बात करें, तो 6128 के लिए 17,999 रुपए पे करने होंगे, एंड 8128 के लिए अराउंड 19,499 रुपए पे करने होंगे। दोनों ही वेरिएंट पर आपको 2,000 रुपए का इंस्टेंटली बैंक डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आपके पास ICICI बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड है। तो इफेक्टिवली बेस वेरिएंट आपको 16,000 के आसपास मिल जाएगा, और 16,000 के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है ये भी। स्पेशली इस फोन का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, बैटरी बैकअप, कैमरा परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें कमाल की देखने को मिल जाती है। ये रहे इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स, आप पढ़ सकते हैं।
नंबर फोर पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है ये एक परफेक्टली बैलेंस्ड स्मार्टफोन है, और अच्छी बात यह है कि इस फोन में आपको बेस्ट UI मिलेगा। तो इस फोन का नाम है OnePlus Nord CE 2 Lite 5G। वैसे तो ये फोन 20,000 के आसपास आता है, लेकिन इस फोन पर आपको 2,000 रुपए तक का बैंक डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड विद बैंक ऑफर ये फोन आपको अंडर 18,000 मिल जाएगा। और इस प्राइस पॉइंट पर ये एक अच्छा पैकेज है OnePlus की तरफ से। खैर चलिए डिटेल में जान लेते हैं इस फोन के बारे में भी। स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन कंप्लीट प्लास्टिक से बना हुआ है, प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 8.5 mm की थिकनेस है एंड 195 ग्राम वेट है, तो थिकनेस और वेट ठीक ठाक है एंड ओवरऑल डिजाइन भी देखने में अच्छा लगता है। इसके साथ ही कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाएगा, मतलब दो सिम या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। 3.5 mm का जैक अवेलेबल है। सिंगल मोनो स्पीकर दिया गया है, तो स्टीरियो स्पीकर नहीं मिलेगा। बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। अच्छी बात यह है कि इस फोन में आपको मिल जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12, जो कि ऑक्सीजन OS 12.1 पर काम करता है। सो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफी कमाल का रहेगा, किसी भी तरह के एड्स और ब्लॉटवेयर नहीं मिलेंगे। बात करें इसके साथ ही कुछ मेन फीचर्स के बारे में, तो इस फोन में आपको मिलेगा 5000 mAh की बड़ी बैटरी, और उसी को चार्ज करने के लिए 33 W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट दिया गया है। 1 से 1.25 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाती है बैटरी, और नॉर्मल यूजर्स में 1 दिन से ज्यादा का बैटरी बैकअप ये फोन आपको दे देगा। बात करें कैमरा के बारे में, तो इस फोन में आपको मिलेगा ट्रिपल रियर कैमरा, जिसमें से प्राइमरी सेंसर 64 MP का है, सेकंड कैमरा 2 MP का है जो कि डेप्थ कैमरा है, और थर्ड कैमरा भी 2 MP का है जो कि मैक्रो फोटो के लिए है। रियर कैमरे से आप 1080p में 30 FPS तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो हाँ, आप 4K वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। वैसे फ्रंट में आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा, और फ्रंट कैमरे से भी आप 1080p में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो कैमरा आपको एवरेज टाइप का मिल जाएगा, ठीक ठाक मिल जाएगा, ज्यादा बेकार भी नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं है। इसके साथ ही अगर हम परफॉर्मेंस के बारे में बात कर ले, तो इस फोन में लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिपसेट, और ये काफी अच्छा चिपसेट है, हमने बहुत सारे स्मार्टफोन में देखा है इस चिपसेट को। 6 nm पर बना हुआ है, मीन्स पावर एफिशिएंट है, बैटरी कंजप्शन कम होगी। 3,70,000 के आसपास अंतत स्कोर देखने को मिल जाती है। LPDDR4X वाला रैम है, UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप है, एंड वर्चुअल रैम एक्सपेंशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। 5 5G बैंड्स का सपोर्ट भी दिया गया है, तो परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में ठीक ठाक है ये फोन, आराम से नॉर्मल और कैजुअल गेमिंग कर पाएंगे। लास्टली डिस्प्ले के बारे में बात करें, तो 6.59 inches की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले दिया गया है, तो AMOLED डिस्प्ले नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। अच्छी बात यह है कि 120Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, 240Hz की टच सैम्पलिंग रेट भी दी गई है, एंड 500 nits तक की पीक ब्राइटनेस भी मिल जाएगी। वाइड 1L1 का सपोर्ट मिल जाएगा आपको, बाकी HDR कंटेंट प्ले नहीं कर पाएंगे, और डिस्प्ले के ऊपर किस टाइप का प्रोटेक्शन दिया गया है ये हमें कहीं भी पता नहीं चल पाया। तो देखा जाए तो डिस्प्ले भी डिसेंट टाइप का है। चलिए प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं, तो 6128 के लिए 19,999 रुपये पे करने होंगे आपको, और 8128 के लिए 21,999 रुपये। दोनों ही वेरिएंट पर आपको 1500 रुपये का इंस्टेंटली बैंक डिस्काउंट मिल जाएगा ICICI के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर। सो इफेक्टिवली बेस वेरिएंट आपको 18,500 के आसपास मिल जाएगा, और इस प्राइस पॉइंट पर इस फोन को आप परचेज कर सकते हो। तो देखा जाए तो ये एक कंप्लीट पैकेज है, डिसेंट टाइप का स्मार्टफोन कह सकते हो। वैसे ये सेम ही फोन आपको Realme की तरफ से भी मिल जाएगा, Realme 9 Pro 5G, ये फोन उसी का रीब्रांडेड है। खैर ये रहे इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स, आप पढ़ सकते हैं। वैसे सभी स्मार्टफोन के बेस्ट वाइलिंग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा फॉर द बेस्ट प्राइस। बात कर लेते हैं अपने तीसरे नंबर के स्मार्टफोन के बारे में, और नंबर 3 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है ये फोन सबसे बेस्ट गेमिंग फोन है अंडर ₹20,000। एट द सेम टाइम ये भी एक ट्रू 5G फोन है, तो इस फोन का नाम है Infinix Zero 5G। फिलहाल ये फोन भी आपको 17,000 से 18,000 के आसपास मिल जाएगा, तो चलिए डिटेल में जान लेते हैं इस फोन के बारे में भी। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो इस फोन का डिजाइन बहुत ही अलग है, कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है, प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 8.8 mm की थिकनेस है, मतलब थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा है, एंड 199 ग्राम वेट है, तो वेट भी थोड़ा सा ज्यादा आप कह सकते हैं। बाकी ओवरऑल दिखने में ये फोन काफी अच्छा है, आप देख सकते हैं। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें, तो इस फोन में ट्रिपल स्लॉट का ऑप्शन दिया गया है, मतलब 2 5G सिम और 1 मेमोरी कार्ड सेम टाइम पर लगा पाएंगे। सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर के साथ आता है, तो स्टीरियो स्पीकर नहीं दिया गया है। बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, जो कि अच्छे से काम करता है। ये फोन एंड्रॉइड 11 पर रन करता है बेस्ड ऑन X10। सो Infinix का UI है, तो थोड़े बहुत बग्स वगैरह मिलेंगे आपको, बट उससे आपको कोई मेजर इशू नहीं होगा। वैसे Infinix ने प्रॉमिस किया है कि 1 ईयर्स तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा आपको, लेकिन मेरे हिसाब से 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलना चाहिए था। खैर बात करते हैं कुछ मेन फीचर्स के बारे में, तो इस फोन में आपको मिलता है 5000 mAh की बैटरी, और उसी को चार्ज करने के लिए 33 W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है।
डेढ़ घंटे लग जाते हैं बैटरी को फुल चार्ज होने में, और नॉर्मल यूजर्स में एक दिन का बैटरी बैकअप इस फोन से आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, जो कि इस फोन का बेस्ट पार्ट है, तो इस फोन में आपको मिलता है MediaTek Dimensity 900 का 5G चिपसेट, जो कि एक बहुत ही पावरफुल चिपसेट है। 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है, मींस पावर एफिशिएंट है। 4,70,000 के आसपास अंतत स्कोर देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर है। इतना ही नहीं, ये फोन फ्लेक्सिबल स्टोरेज और रैम टाइप के साथ आता है। LPDDR5 रैम टाइप और UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप दिया गया है, जो कि आपको 20,000 के नीचे किसी भी फोन में नहीं मिलेगा। अच्छी बात यह है कि 5GB तक वर्चुअली रैम भी बढ़ा पाएंगे, और इस फोन में 3D कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है, जिससे हीटिंग इशू बहुत कम देखने को मिलती है। तो ओवरऑल ये फोन परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ही जबरदस्त है। अप टू 70 FPS तक गेम प्ले करवा देगा BGMI में। वैसे इस फोन में 13 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है, और ये काफी अच्छी बात हो जाती है। इस फोन में आपको 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट नहीं मिलेगा, और इन्फिनिक्स के मोस्ट ऑफ द फोन में ये फीचर नहीं होता है। अगर हम कैमरा के बारे में बात करें, तो ये फोन ट्रिपल रियर कैमरे के साथ आता है, जिसमें से प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का दिया गया है। सेकंड कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, जो कि टेलीफोटो लेंस है, और ये कैमरा 2x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है और 30x डिजिटल जूम। बाकी थर्ड कैमरा वही 2 मेगापिक्सल का है, जो कि मैक्रो फोटो के लिए है। रियर कैमरे से 4K में 30 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हैं, और 1080p में 60 FPS तक। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, जो कि पंचोल कटआउट के साथ आता है, और फ्रंट कैमरे से 1080p में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो प्राइस को कंसीडर करते हुए कैमरा परफॉर्मेंस भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगी, लेकिन थोड़ी बहुत और कैमरे के अंदर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। लास्टली डिस्प्ले के बारे में बात करें, तो इस फोन में आपको मिलता है 6.8 इंचेस की फुल एचडी प्लस IPS डिस्प्ले, जो कि 120 हर्ट्ज अडैप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट मिल जाती है गेमिंग के लिए। 500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है, जो कि IPS डिस्प्ले के हिसाब से ठीक ठाक है। इस फोन का डिस्प्ले HDR 10 सर्टिफाइड है, लेकिन सिर्फ YouTube के लिए ही है, Netflix पर HDR कंटेंट प्ले नहीं कर सकते। तो डिस्प्ले हमें ठीक ठाक देखने को मिल जाती है, अगर AMOLED डिस्प्ले होता तो ज़्यादा बेहतर रहता। फाइनली प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, तो ये फोन एक ही स्टोरेज टाइप के साथ अवेलेबल है 8128 के साथ, जिसके लिए आपको सिर्फ 18,000 रुपए देने होंगे, और 1,000 से 1,500 रुपए तक का बैंक डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको। बाकी दोस्तों, इस फोन के प्राइसेस बहुत ही ज्यादा फ्लैक्चुएट होती रहती है, तो अगर हम इस फोन को समराइज करें, तो अगर आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसमें परफॉर्मेंस के अंदर किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज ना हो, या फिर गेमिंग के लिए बेस्ट फोन चाहिए 18 से 20,000 के आसपास, तो शायद इससे बेटर स्मार्टफोन नहीं मिलेगा आपको। ऑल तो बाकी के फीचर्स भी अच्छे मिल जाते हैं, तो ये रहे इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स, आप पढ़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं अपने सेकंड लास्ट स्मार्टफोन के बारे में। ये भी एक परफेक्टली बैलेंस्ड स्मार्टफोन है, या फिर इसे आप ऑलराउंडर स्मार्टफोन भी कह सकते हैं। तो इस फोन का नाम है Moto S20 Fusion। ये फोन भी आपको बिना किसी बैंक ऑफर के 17 से 18 हजार के आसपास मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं इस फोन के बारे में भी, स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो अगेन ये फोन भी कम्प्लीट प्लास्टिक बॉडी के साथ ही आता है, प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 8.3 mm की थिकनेस दी गई है, मतलब ज्यादा मोटा नहीं है ये फोन, एंड 185 ग्राम वेट है, तो वेट भी ज्यादा नहीं है। और अच्छी बात यह है कि IP52 की रेटिंग भी मिल जाती है, तो हल्का फुल्का पानी गिर जाता है तो कोई इशू नहीं होगा। तो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी अच्छा मिल जाएगा आपको। इसके साथ ही कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें, तो इस फोन में हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन दिया गया है, मतलब 2 5G सिम या फिर 1 सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर दिया गया है, जो कि लाउड है, लेकिन स्टीरियो स्पीकर देना चाहिए था। 3.5 mm का जैक मिल जाएगा, और ये अच्छी बात है। बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर अवेलेबल है। ये फोन एंड्रॉइड 11 पर रन करता है विद नियर स्टॉक एंड्रॉइड, तो इस फोन में किसी भी तरह के एड्स और ब्लॉटवेयर नहीं मिलेगा आपको। यूजर इंटरफेस बहुत ही क्लीन और सिंपल मिल जाएगा। मोटो ने प्रॉमिस किया है 2 ईयर्स तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा इस फोन में आपको, और एंड्रॉइड 12 का अपडेट आ गया है इस फोन के अंदर। और इस फोन में आपको थिंक शील्ड की प्रोटेक्शन मिल जाएगी, जो कि एक हार्डवेयर बेस्ड प्रोटेक्शन होता है। इसके साथ ही कुछ मेन फीचर्स के बारे में बात करें, तो इस फोन में आपको मिलता है 5000 mAh की बैटरी, और उसी को चार्ज करने के लिए 30 वॉट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट दिया गया है। बैटरी को चार्ज होने में 1.5 घंटे लग जाते हैं, और एक दिन का बैटरी बैकअप इजीली मिल जाएगा इस फोन से आपको नॉर्मल यूजर्स में। अगर हम डिस्प्ले के बारे में बात करें, तो इस फोन में आपको मिलता है 6.7 इंचेस की फुल एचडी प्लस 10 बिट के साथ OLED डिस्प्ले, जो कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट दी गई है। ऑल्सो इस फोन का डिस्प्ले HDR 10 प्लस सर्टिफाइड है, और ये काफी कमाल की बात हो जाती है। अप टू 650 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, जो कि ब्राइटनेस लेवल भी ठीक ठाक है, एंड डिस्प्ले के ऊपर COG3 का प्रोटेक्शन दिया गया है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले बहुत ही अच्छा मिल जाएगा आपको। कंटेंट वॉचिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि HDR 10 प्लस सर्टिफाइड है।
वहीं अगर हम कैमरा के बारे में बात करें तो ये फोन ट्रिपल रियर कैमरे के साथ आता है, जिसमें से प्राइमरी सेंसर 108 मेगापिक्सल का दिया गया है, सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का है जो कि अल्ट्रा वाइड और मैक्रो फोटो के लिए है, और थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है जो कि डेप्थ सेंसिंग के लिए है। रियर कैमरे से 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे और 1080p में 60 FPS तक। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है जो कि पंच होल कटआउट के साथ आता है, और फ्रंट कैमरे से 1080p में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो कैमरा परफॉर्मेंस डिसेंट टाइप का मिलने वाला है। डे लाइट में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी काफी अच्छे से कर पाएंगे आप, लेकिन इस फोन का नाइट फोटोग्राफी ज्यादा अच्छा नहीं है, तो कैमरा परफॉर्मेंस आप डिसेंट टाइप का मान सकते हैं। लास्टली परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं, तो इस फोन में आपको मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U का 5G चिपसेट, और ये थोड़ा सा पुराना चिपसेट है क्योंकि ये फोन ही थोड़ा सा पुराना है। वैसे पिछले साल का बहुत ही अच्छा चिपसेट रहा है, ये 7nm पर बना हुआ है, मींस पावर एफिशिएंट है। 360,000 के आसपास अंतत्व स्कोर देखने को मिल जाती है जो कि चिपसेट के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा स्कोर है। UFS 2.2 का स्टोरेज है, LPDDR4X वाला रैम है, वर्चुअली 2GB तक रैम बढ़ा पाएंगे विद एंड्रॉइड 12 अपडेट, और अच्छी बात यह है कि इस फोन में भी आपको लिक्विड कूलिंग का सिस्टम मिल जाएगा। तो परफॉर्मेंस के मामले में इस फोन आपको कोई इशू नहीं होने वाली है, डे टू डे यूजेस में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, और नॉर्मल टू हाई लेवल की गेमिंग भी कर पाएंगे आप, अप टू 40-50 FPS तक गेम प्ले कर सकते हैं इस फोन से भी आप। बाय द वे ये फोन 13 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, जिससे ये भी एक कम्प्लीटली फ्यूचर प्रूफ 5G फोन बन जाता है। 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट मिल जाएगा, NFC का भी सपोर्ट है, और वैसे भी कनेक्टिविटी के मामले में मोटो के फोन हमेशा बेस्ट होते हैं। फाइनली प्राइसिंग की बात करें तो 6128 के लिए 18,000 रुपीज है और 8128 के लिए 20,000 रुपीज है, दोनों पर ही 1,000 से 1,500 रुपए तक का बैंक डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आते हैं इस फोन के भी कंक्लूजन पार्ट पर। तो अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जो कि परफेक्टली बैलेंस स्मार्टफोन हो, जिसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले हो, ट्रू 5G फोन हो, कैमरा सेटअप भी अच्छा खासा हो और परफॉर्मेंस से ज्यादा इशू ना हो, तो इस फोन को आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। ये रहे इस फोन के भी प्रोज एंड कॉन्स, आप पढ़ सकते हैं। नंबर 1 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है, वैसे तो इस फोन की प्राइसिंग 24-25 हज़ार के आसपास होता है, लेकिन फिलहाल ये फोन आपको 18-19 हज़ार के आसपास मिल जाएगा। तो इस फोन का नाम है Xiaomi 11i 5G। इस फोन पर अक्सर 5-6 हज़ार रुपए तक का बैंक डिस्काउंट मिल जाते हैं, और फिलहाल ये फोन आपको सिर्फ 19 हज़ार के आसपास मिल जाएगा, और इस प्राइस पॉइंट पर सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है ये। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं इस फोन के बारे में भी। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन ग्लास बैक के साथ आता है, फ्लैट एजेस के साथ बॉक्सी सा डिजाइन मिलेगा आपको। फ्रेम जो है वो प्लास्टिक का है, 8.3mm की थिकनेस है एंड 204 ग्राम वेट है, तो थोड़ा सा ये फोन आपको बल्की लगेगा। अच्छी बात यह है कि IP53 की रेटिंग भी दी गई है, तो हल्का फुल्का पानी गिर जाएगा तो कोई इशू नहीं होगा। बाकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन अच्छा दिया गया है। बात करें कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में, तो इस फोन में आपको मिलता है ड्यूल स्टीरियो स्पीकर जो कि बहुत ही लाउड है, 3.5mm का जैक अवेलेबल है, और ये काफी अच्छी बात हो जाती है। हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है, मतलब 2 सिम में फिर 1 सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा आपको। इसके साथ ही Xiaomi का फोन है तो आईआर ब्लास्टर आपको मिल ही जाएगा। ये फोन एंड्रॉइड 11 पर रन करता है बेस्ड ऑन MIUI 12.5। जैसे इस फोन को आप परचेज करोगे एंड्रॉइड 12 का अपडेट मिल जाएगा। 2 ईयर्स तक आपको मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेंगे इस फोन में। इसके साथ ही कुछ मेन फीचर्स के बारे में बात करें, तो इस फोन में आपको मिलता है 5160mAh की बैटरी, और उसी को चार्ज करने के लिए 67W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। 40 से 50 मिनट लग जाते हैं बैटरी को फुल चार्ज होने में, और एक दिन का बैटरी बैकअप इस फोन से भी आपको मिल जाएगा मॉडरेट यूज में। खैर परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, तो इस फोन में आपको मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 का 5G चिपसेट, और ये बहुत ही अच्छा चिपसेट है, 6nm पर बना हुआ है, मींस पावर एफिशिएंट है। इस चिपसेट को आप क्लोज टू स्नैपड्रैगन 778 इतना मान सकते हैं। 4.5 से लेकर 5 लाख के बीच में अंतत्व स्कोर देखने को मिल जाती है जो कि अच्छा स्कोर है। UFS 2.2 का स्टोरेज है, LPDDR4X वाला रैम है, वर्चुअली 3GB तक रैम बढ़ा पाएंगे। सो ओवरऑल आपको परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा मिल जाएगा, आराम से आप 60 FPS तक गेम प्ले कर सकते हैं, और इस फोन में आपको मिलता है 8 5G बैंड्स का सपोर्ट। चलिए अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में, जो कि बहुत ही कमाल का है इस फोन का डिस्प्ले। इस फोन में आपको मिलता है 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले जो कि 120 हर्ज फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 240 हर्ज का टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है एंड अप टू 1200 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, जिससे आपको विजिबिलिटी में कोई इशू नहीं होगी, चाहे आप आउटडोर में यूज करो या फिर इंडोर में यूज करो। ऑल्सो इस फोन का डिस्प्ले HDR10 सर्टिफाइड है, और डिस्प्ले के ऊपर COG5 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है, तो डिस्प्ले में कहीं से भी कटौती नहीं की गई है, डिस्प्ले आपको बहुत ही अमेजिंग मिल जाएगा। लास्टली कैमरा के बारे में बात करें, तो इस फोन में आपको मिलता है ट्रिपल रियर कैमरा, प्राइमरी सेंसर 108 मेगापिक्सल का दिया गया है, सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है, और थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है जो कि मैक्रो फोटो के लिए है। रियर कैमरे से 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं।
वहीं फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है और इस कैमरे से 1080p में 30 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो अगर हम कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो कैमरा परफॉर्मेंस आपको एवरेज टाइप का मिलेगा, डिसेंट टाइप का कह सकते हो। वैसे है तो 108 मेगापिक्सल का, लेकिन कैमरा परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंस है। प्राइसिंग की बात करें तो 6/128 के लिए 25,000 रुपये पे करने होंगे और 8/128 के लिए 27,000 रुपये पे करने होंगे। फिलहाल इस फोन पर आपको 6,000 रुपये का इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा। 5,000 रुपये का तो प्रीपेड डिस्काउंट है, जो कि आपको लगभग सभी बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर डिस्काउंट मिल जाएगा इंस्टेंटली। और 1,000 रुपये का और अलग से डिस्काउंट ले सकते हैं अगर आपके पास SBI के क्रेडिट कार्ड है तो। सो इफेक्टिवली 25,000 का फोन 19,000 में मिल जाएगा और इस प्राइस पॉइंट पर डेफिनेटली ये एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। बाकी ये रहे इस फोन के डिटेल, प्रोज एंड कॉन्स आप पढ़ सकते हैं। तो गाइज यही थे इस लिस्ट के टॉप 5 बेस्ट फोन अंडर रुपीज 18,000। प्राइसेस थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं टाइम टू टाइम, बट अक्सर ये सारे फोन आपको 18 से 19,000 के आसपास मिल ही जाएंगे। फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर आए दिन सेल चलती ही रहती है। वैसे अभी भी आपका कुछ डाउट और कंफ्यूजन रह गया है तो कमेंट कीजिए, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। बहुत ही ज्यादा मेहनत लगाई है इस वीडियो को बनाने में। इसके साथ ही मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।